छोटू ये तरबूज कैसे दिया है? दीदी 20 रुपए का एक तरबूज है। क्या तू इतने महंगे तरबूज दे रहा है? दीदी मैं महंगे तरबूज नहीं बेच रहा हूँ, हर जगह यही रेट चल रहा। अब ठेली वाले लोग भी इतने महंगे तरबूज बेचने लगे। हाँ चल कोई बात नहीं, पर तरबूज कच्चा ना निकल आए। दीदी तरबूज कच्चा नहीं निकलेगा, आप चाहो तो काट कर दे सकता हूँ। अच्छा चल ठीक है, ये तरबूज काट के दे दे। ठीक है दीदी। ये देखो दीदी कितना पका तरबूज निकला है। क्या इसे पका हुआ तरबूज बोलते हैं? तुझे किधर से पका हुआ तरबूज दिख रहा है? ये तेरे सारे के सारे तरबूज कच्चे हैं। कोई बात नहीं दीदी, आप कहीं और ऐसे तरबूज ले लो। मैं तरबूज तो यहीं से लेके जाऊंगी और तुझे पैसे भी नहीं दूंगी। अगर तू रोक सकता है तो रोक ले। दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हो, मैं इस गर्मी में बहुत मेहनत से तरबूज बेचता हूँ। चल अब ज्यादा फालतू बकवास मत कर मेरे सामने। दीदी मैं आपको तरबूज नहीं ले आने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तेरी इतनी औकात, तू मुझे रोकेगा? रुक तुझे अभी दिखा दूं तेरी औकात। आगे से याद रखना और अपनी औकात देके बात करना किसी से। रब्बावे अरे छोटू क्या हुआ तुझे, और तू ऐसे क्यों रो रहा है? चल खड़ा हो। और ये सब तेरा नुकसान किसने किया? भैया आप भी यहाँ से चले जाइए, सब अमीर आदमी गरीबों को सताते हैं। नहीं छोटू, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। मुझे बता क्या हुआ तेरे साथ? भैया मेरे ठेले पर एक लड़की आई थी, वो मेरे सारे तरबूज खराब करके चली गई। छोटू ये तो बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। हाँ भैया इस दुनिया में बहुत बुरे लोग होते हैं जो गरीबों को कुछ नहीं समझते। हाँ छोटू इस दुनिया में सच में कुछ लोग बहुत गंदे होते हैं। चल छोटू छोड़ ये सब, चला तेरे तरबूज उठा कर रखते हैं। अरे छोटू एक तरबूज देना मुझे। नहीं भैया मेरे पास खुले नहीं है। इन सबको तू ही रख ले और कुछ खा लेना, और वैसे भी तेरा आज बहुत नुकसान हो गया। ठीक है भैया। तरबूज मीठे ताजी तरबूज, तरबूज ले लो तरबूज मीठे ताजी तरबूज, तरबूज ले लो तरबूज मीठे ताजी तरबूज,
तरबूज ले लो तरबूज। भाई चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ तरबूज बिक रहे हैं, तरबूज खाते हैं। चल ठीक है चलते हैं, वैसे भी इस एरिया में हमसे पैसे मांगने किसी को औकात नहीं है। तरबूज ले लो तरबूज। ओए एक तरबूज काट के दे। ठीक है भैया आपको मैं तरबूज काट कर देता हूँ। ये लो भैया। यार तरबूज खाने में तो मजा आ गया। हाँ भाई चलो चलते हैं अब। साफ पैसे तो दे जाओ। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे पैसे मांगने की? इस एरिया में किसी से पूछ लेना, हमसे कोई पैसे नहीं मांगता। साहब चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपसे पैसे लेकर ही रहूंगा। अभी देखना इसकी औकात, ये हमसे पैसे मांग रहा है। चल इसे अभी इसकी औकात दिखाते हैं, इसे पता तो चले कि हमसे पैसे मांगने वालों का क्या नतीजा होता है। अगर मिले खुदा तो पूछूंगा खुदाया जिस्म मुझे देखे मिट्टी का शीशे सा दिल क्यों बनाया। मेरी इतनी हिम्मत जो तूने मेरे चाकू मारा अभी बताता हूँ तुझे। मोहब्बत वारे वा तेरी कुदरत वारे वा तेरी कुदरत उस पे दे दिया किस्मत कभी है मिलन कभी रब्बा वे अरे ये तो कल वाला बच्चा है, क्या हुआ इसको? अरे इस बच्चे के तो सर पे बहुत चोट लगी है और ये बेहोश भी हो गया। मैं इसे अभी हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। अरे डॉक्टर साहब देखना क्या हुआ इसको। ज्यादा कुछ नहीं, इसके सिर पर थोड़ी चोट लगी है, जल्दी सही हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। ये लो मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ, ले लेना। छोटू अब बता तेरे साथ क्या हुआ था और ये तेरे सर पर चोट कैसे लग गई थी? भैया दो लड़के आए थे। भैया उन लोगों ने मेरे सारे तरबूज खराब कर दिए थे और मेरा सर फोड़ दिया था। छोटू तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया मुझे
मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं क्या करूँ। जिन फलों को बेचकर मैं अपना गुजारा करता था वो उन लोगों ने खराब कर दिए। छोटू अब तुझे फल बेचने की कोई जरूरत नहीं है, अब तू मेरे पास आ गया सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू ज्यादा परेशान मत हो, अब तू आराम कर। ठीक है भैया। अरे छोटू उठ, तेरा एडमिशन करा के आना है। क्या भैया आप मेरा एडमिशन करवाने जा रहे हो? क्या भैया मैं भी आज से पढ़ूंगा? हाँ छोटू तू भी आज से पढ़ेगा। ठीक है भैया मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। छोटू यह है तेरा स्कूल और आज से तू इस स्कूल में पढ़ेगा, और तू अपनी अच्छी तरह से पढ़ाई करना। ठीक है भैया। भैया भैया गाड़ी रोकना, वो देखो उस दिन वाली लड़की जिसने मेरे सारे फल खराब कर दिए थे। भैया वो देखो। ओ मैडम रुकना जरा। हाँ बोलो। अरे गरीब तू, तेरे कैसे दिन बदल गए जो तू गाड़ियों में घूमने लगा। मैडम जवान संभाल के बात कीजिए, ये मेरा छोटा भाई है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो सड़कों पे फल बेचता था। बेचता था लेकिन अब नहीं बेचता है। भैया ये बहुत बुरी है, इन्होंने उस दिन मुझे बहुत मारा था। क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई इस मासूम बच्चे पर हाथ उठाते हुए? ये कितना छोटा है और तुम कितनी बड़ी हो, कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज क्या होता। सॉरी मुझे माफ कर दो, मैं उस दिन के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। और हाँ आगे से मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगी। चलो कम से कम तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास तो होगा। देख छोटू इन्होंने तुझसे माफी मांग ली है, चल अब तू भी इन्हें माफ कर दे। चल ठीक है अब हम घर चलते हैं। हेलो, अरे भाई कहाँ पर आ गया? चल जितना भी माल है सारा निकाल दे। कौन हो तुम लोग और ये क्या कर रहे हो? हम कौन है तुझे तो बाद में बताएंगे, पहले तो अपना सारा सामान निकाल। ये क्या कर रहे हो तुम? आज मेरा भाई आने वाला है, मुझे उसके लिए गिफ्ट लेके जाना है। ये अपनी जान प्यारी है, ये अपने भाई के लिए तोहफा।
ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ मेरे भाई को, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या सर, ये आपके भाई हैं? क्या तुम लोगों ने अभी तक अपनी गुंडागर्दी नहीं छोड़ी? क्या सर, हम आपकी बात समझे नहीं। याद करो, आज से कुछ साल पहले तुमने मेरे तरबूज फोड़े थे और मुझे मारा भी था। क्या भाई, ये वही लोग हैं जिसने तेरा सर फोड़ा था? क्या सर, आप वही फल वाले हो? पर आप IAS कैसे बने? हाँ, आज मैं जो भी हूँ अपने बड़े भाई के दम पर हूँ। सॉरी सर, हमें माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दूँ जो सड़कों पर रेड़ी लगाने वाले गरीबों को सताते हो? ऑफिसर अरेस्ट। ओके सर। चलो भाई, हम चलते हैं। You already know. We roll.